सदन में आज भारत बंद रहेगा, बंद रहेगा। किसानों के समर्थन में आज भारत बंद रहेगा। किसान जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। किसानों के समर्थन में आज भारत बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा। काला कानून वापस लो, वापस लो, हरीश मिश्रा है। मैं बनारस वाले मिश्रा जी हूँ। देखिए, आज जो नरेंद्र मोदी के सरकार के द्वारा जो कृषि पर तीन काले कानून लागू किए गए हैं, उसके खिलाफ आज हम लोगों ने अपने हाथ में पर्चा लेकर के बनारस के प्रमुख सब्जी मंडी, जहाँ किसानों का सबसे प्रमुख मंडी है चंदुआ सट्टी, उसमें जो अपने पर्चे के माध्यम से इस काले कानून का विरोध किया। और इस नारे के साथ नरेंद्र मोदी जी को बताना चाहते हैं कि किसान विरोधी नरेंद्र मोदी जी, आप इस बात को जानिए कि जब तक किसान भूखा रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। तो इस सवाल पर नरेंद्र मोदी जी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए हम बनारस से, उनके संसदीय क्षेत्र से, अपने किसानों का दर्द ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से अंबानी और अडानी के इशारे पर आप हमारे ज़मीनों पर कब्जा करना चाहते हैं, ये भंडारण नीति पर जिस तरीके से आपने खुला छूट दे दिया है, बाजार नीति पर जिस तरीके से आपने बड़े पूंजीवादियों को जगह दे दिया है, उसके खिलाफ आज भारत बंद का समर्थन हम लोग करते हैं। किसानों के सवाल पर पूरे देश में जो भारत बंद का आयोजन किया गया, उसके समर्थन में आज हम अपने हाथों में ये तख्तियाँ लेकर के नरेंद्र मोदी जी से यह निवेदन करना चाहते हैं कि तत्काल ये जो अध्यादेश के जरिए हमारी ज़मीनों पर कब्जा करना, हमारा जो समर्थन मूल्य है उस समर्थन मूल्य पर पूंजीवादियों के हाथ में सौंप देना, इसके खिलाफ आज हम लोगों का प्रोटेस्ट है। और हम नारे के साथ नरेंद्र मोदी से अपना यह गुहार लगाना चाहते हैं कि इस काले कानून को जल्द से जल्द रद्द किया जाए।